ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ सी एन एस फार्माकॉलॉजी दट वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज जनरल एनेस्थेटिक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हमने जस्ट क्लासिफिकेशन देखनी है जनरल एनेस्थेटिक्स एज द टोल टू के सी एन एस फार्माकॉलॉजी में जो एक क्वेश्चन uh, रिपीटेडली पूछा जाता है वो हर एक क्लास uh, की क्लासिफिकेशन uh, है हर एक क्लास ऑफ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है कि इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इन द सेम वे जनरल जनरल एनेस्थेटिक्स अब क्या होते हैं वो तो हम ऑलरेडी लाइक इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक हमें बता ही हैं दैट दिज आर द एनेस्थेटिक्स विच आर हेल्पफुल इन इंड्यूसिंग अ सीएनएस डिप्रेशन सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट कॉज कराते हैं मसल रिलैक्सेशन कॉज कराते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन को इनहिबिट करते हैं एंड दे हैव अ ट्राइड ऑफ देयर एक्शंस जिसमें स्कल्ट स्कल्टल मसल रिलैक्सेशन है सी एनस डिप्रेशन है और ऑटोनॉमिक फंक्शंस की इनहिबिशन है एनर्जीजिया एमनीजिया और uh, ये कुछ उसके इम्पॉर्टेंट एक्शन होते हैं जनरल एनेस्थेटिक की और ये हमें मोस्टली मेजर सर्जरीज में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है इनको ठीक है तो ये तो होगा उसका इंट्रोडक्शन अब इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो कुछ हम इन्हेलेशनल रूट से देते हैं एनेस्थेटिक्स और कुछ हम आई वी रूट से देख देते हैं अगर किसी को अल्लाह ना करे इतफ़ाक़ हुआ हो सर्जरी का एक मेजर सर्जरी का तो लाइक आई हैड टू गो थ्रू वन तो उसमें स्टार्ट वो करते हैं इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स से और साथ में वो अलॉन्ग विट आई वी एनेस्थेटिक्स भी देते रहते हैं तो नाउ द क्लासिफिकेशन इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एंडिक्स कुछ हैं जो हम आई इन्हेलेशनल रूट से ही देते हैं कुछ हैं जो हम आई वी रूट से ही देते हैं जो इन्होलेशनल रूट से देते हैं उसमें कुछ गैसेज भी हैं और कुछ वॉलिटा लिक्विड्स भी हैं जो हम आई वी रूट से देते हैं उसमें मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग ग्रुप्स क्लासिफिकेशन हुई है उसकी हेर इन्होलेशनल रूट से दिए जाने वाले गैसेस पहले देख लेते हैं गैसेस में वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड एंड जीनोन ऑक्साइड हम ज़्यादा यूज़ करे होते हैं गैसेस वाले कंपोनेंट से तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड जीनोन आर द गैस कंपोनेंट ऑफ इन्होलेनल एनेस्थेटिक्स और उसके वॉलोटल लिक्विड्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं दीदर इथर हेलोथेन क्लोरोफॉम एनफ्लूरें जो फ्लूरेन के कंपोनेंट्स होते हैं एंड एनफ्लोरेन आइसोफ्लूर सीवो फ्लोरिन एंड डस्फ्लोन तो ये हो गया बहुत ज़्यादा लिक्विड जो इनको हम इन्हलेनल अनस्थेटिक्स तौर पर यूज़ करते हैं आईवी अनस्थेटिक्स में भी है बारबीचूटर हमने पीछे आ, स्टेटस एपलेप्टस में भी पढ़ा था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायोपेंटल था था वाइजिपिनस में हमने मिडाजोलम पहले पढ़ा हुआ है इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एप्लेप्टिकस और साथ में डराजिपाम और डाइजिपाम भी दे सकते हैं डिसोसिएटिव एनस्थेटिक भी होता है कीटामिन ये भी दे सकते हैं एल्फा टू एड भी होते हैं लाइक डेक्स मेटिडोमिडीन डेक्स मेडिटो मेडीन हम एल्फट और अनर्जी भी अगेन आई वे एनथेटिक के तौर पर दे सकते हैं और प्योर्स भी देते हैं हम एज आईवे एनस्टिक उसमें मोस्टली फेंटनल देते हैं जिसका सेवेंटी टू आवर्स तक इसका ड्यूरेशन एक्शन है और ये मोस्टली पैचेस में होते हैं फेंटनिन पैच के फॉर्म में बट इसको हम आई वे से भी दे सकते हैं और कुछ मेसेनियस होते हैं एक्चुअली जब मेसेलेस है जिनका हमें ऐसे कोई प्रोपर ड्रग ग्रुप नहीं पता यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई वे इसमें एटोमीडेट आता है प्रोपोफॉल आता है और आता है तो इन दिस वीडियो वी जस्ट सॉ दी क्लासिफिकेशन ऑफ एंड एनेसैटिक्स इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और कौन सा मोस्ट सूटेबल वे भी देखेंगे गैसेस में वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड एंड जीन वोलेटाइल लिक्विड्स में वी हैव ईथर इथर हैलोथिन क्लोरोफॉम एनफ्लोरेन डेस्फ्लोरेन सीवोफ्लोरिन एसोफ्लोरेन आई वी में वी हैव हारबिचोरेट थायोपेंटल वेजोडाइजिपिनस में डिसोसिएटिव में कीटामिन एल्फर टू एडोनाइि डिस मेडिटो मिडीन अप्योर्स और मिसलेनियस में एटोमिडेट प्रोपोफोल एंड फोस्ट दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ general anesthetics.